नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मुंबई में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, रेल सड़क और हवाई यातायात प्रभावित। मुंबई और इसके उपनगरों में मूसलाधार बारिश से शुक्रवार को जनजीवन ठप हो गया। लोकल ट्रेन सेवा और हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ। इसके चलते लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गुरुवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद पटरियों पर पानी जमा होने से ट्रेनों के रद्द होने के कारण सुबह ऑफिसों के लिए निकले हजारों लोग उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर फंस गए। बड़ाला इलाके में करंट लगने से 2 लोगों के मरने की खबर है। समुद्र में हाई टाइड के चलते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीएमसी ने लोगों से समुद्र के निकट नहीं जाने की अपील की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का चालान कटा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कार उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में तय सीमा से अधिक गति से चलती पाई गई। खजूरी खास चौक पर इंटरसेप्टर वाहन में तैनात यातायात पुलिसकर्मियों ने 12 जून की शाम कार को तेज गति से दौड़ते देखा। उन्होंने अगले जंक्शन को संदेश भेजकर कार रोकने को कहा। यातायात विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक यातायात पुलिसकर्मियों ने कार को रोक लिया और 400 रुपये का चालान काट दिया। सिसोदिया उस समय कार में मौजूद थे। सीएम वसुंधरा को बड़ी राहत, भाजपा ने किया बचाव। ललित मोदी विवाद में नाम आने के बाद राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुश्किलें बढ़ गई थी, लेकिन भाजपा ने साफ कर दिया कि वसुंधरा को हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस मामले में जो सबूत या दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं उनसे कुछ भी साबित नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले खबरें आ रही थी कि वसुंधरा को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है और उनके स्थान पर ओम माथुर को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। एमएस धोनी और मुस्ताफिजुर पर लगा जुर्माना। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान पर आईसीसी के मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पहले वनडे के दौरान टकराने की घटना को लेकर जुर्माना लगाया है। पाइक्राफ्ट ने धोनी और अपने पदार्पण मैच में 5 विकेट लेकर भारत को शर्मनाक हार का घूंट पिलाने वाले मुस्ताफिजुर को नोटिस जारी किया था और दोनों खिलाड़ियों को नियम उल्लंघन को लेकर दोषी ठहराया। धोनी पर उनकी मैच फीस का 75% और बांग्लादेशी गेंदबाज पर 50% का जुर्माना लगाया गया है। यह घटना गुरुवार रात शेरे बंगला स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे के दौरान हुई, जब भारतीय पारी के 25वें ओवर में धोनी रन लेने के लिए भाग रहे थे, तभी गेंदबाज मुस्ताफिजुर उनके रास्ते में आ गए। धोनी ने अपना रन पूरा करने के लिए मुस्ताफिजुर को धक्का मारा और रन पूरा किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।